गुर्दे और मसाने की पथरी का शाफी इलाज। गुर्दे और मसाने में पथरी क्यों बनती है? गुर्दे और मसाने में पथरी बनने की क्या वजूहत है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुर्दे और मसाने में पथरी का मसला आम होता जा रहा है। ख़वातीन से ज़्यादा मर्द हजरात पथरी का शिकार हैं। ये एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज है। अगर इसका शिकार अफराद एहतियात ना करें तो इन्हें नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से गुजरना पड़ता है। गुर्दे और मसाने में पथरी बेहद बेसुकूनी और बेचैनी का सबब बनती है। इसमें मरीज ना सिर्फ चलते फिरते वक्त तकलीफ में रहता है बल्कि हर वक्त दर्द की टीसें उठती रहती हैं। ऐसी कैफियत में मरीज दर्द की शिद्दत की वजह से चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खुराक में एहतियात जरूरी है। कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसकी वजह से मर्ज में इजाफा हो या आपकी तकलीफ बढ़ जाए। गुर्दे और मसाने में पथरी बनने की बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र करती हूँ। पेशाब का बार बार आना, पेशाब में खून आना, कभी भी किसी वक्त दाएं या बाएं साइड पर गुर्दे में एकदम से शदीद दर्द की टीसे उठना, मसाने में दर्द और जलन होना, बार बार तकलीफ में बुखार हो जाना, पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होना पथरी की अलामत हैं। कभी कभी तो मरीज को पता ही नहीं होता कि वो गुर्दे और मसाने में पथरी का शिकार है। जब वो टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है कि इसके गुर्दे या मसाने में पथरी है। पथरी बनने की क्या वजूहत हैं? अक्सर ये मर्ज मौरूसी भी होता है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा होता है। इसके अलावा कम पानी पीना इसकी खास वजह है। नाकस गजा का इस्तेमाल, सख्त गजा का इस्तेमाल करना जो हजम ना हो वो भी पथरी का सबब बन सकती है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, मोटापा, शुगर, पेट के अमराज या सर्जरी वगैरह भी इस मर्ज का सबब बनते हैं। इस मर्ज का इलाज वक्त पर करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर तकलीफ बढ़ जाए और मर्ज में भी शिद्दत आ जाए तो वक्त के साथ पैसे का भी ज़्यादा ज़्याया होता है। हम आपको मशवरा देते हैं कि अगर इन अलामत में से कोई भी एक अलामत आप में है तो फौरन इसकी तशखीस करवाएं। अगर आपको पथरी का मर्ज लाहक हो तो जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाएं। तासीर दवा खाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवामन नास की खिदमत में मसरूफ अमल है और हज़ारों मरीज यहाँ से इलाज करवा कर खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गुर्दे और मसाने की पथरी की वजूहत और असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवा खाना के मायनाज हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने भी औलादी के मशहूर रूहानी मालिज हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर निगरानी खालिज जड़ी बूटियों से गुर्दे और मसाने की पथरी का कीमती इलाज मुतारिफ करवाया, जो गुर्दे और मसाने की पथरी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, वो भी बगैर किसी सर्जरी या ऑपरेशन के। जिन वजूहत के बायस पथरी बनती है इनको हमेशा के लिए ख़त्म करके आपको इस मर्ज से छुटकारा दिलाता है। ये इलाज कीमती और खालिज जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इस इलाज के जरिए पथरी यूरिट्री सिस्टम के जरिए आपके जिस्म से निकल जाती है और आपको किसी किस्म की तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि पथरी का बेहतरीन इलाज तिबी असूलों के ऐन मुताबिक किया जाता है। इस इलाज को हजारों लोग आजमा चुके हैं और शिफायाब हो चुके हैं। आप भी इस इलाज को जरूर आजमाएं और इस तकलीफ दा मर्ज से निजात हासिल करें। ये वाहिद इलाज है जो आपको गुर्दे और मसाने की पथरी से हमेशा के लिए निजात दिला देगा। तो आप भी देर ना करें बल्कि आज ये अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवा खाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर और परहेज भी जरूरी है। अपने खुराक सादा और खालिस रखें। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, मसलन टिंडे, कद्दू, शलजम, मूली, गाजर वगैरह। दिन के खाने में सब्जियों का सलाद इस्तेमाल करें, चकंदर का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध और दही का भी इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों का जूस जरूर पिएं। इसके अलावा कुछ गजाओं से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, मसलन चावल, टमाटर, मकई की रोटी वगैरह, और सख्त गजाओं से परहेज़ करें। मैदे की बनी हुई अशिया को बिल्कुल तर्क कर दें। बेकरी की बनी हुई अशिया और बाजारी खाने भी तर्क कर दें। तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने और गर्म गजाओं से परहेज़ करें। अल्कोहल, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, कोल्ड ड्रिंक्स और हर तरह के नशे से खुद को बचाएं। इसके साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताते चलें। हर रोज़ हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। सुबह उठते ही निहार पेट 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। खाने के फौरन बाद पानी ना पिएं। दिन के वक्त पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कब्ज ना होने दें। अगर पेशाब की हाजत हो तो इसको कंट्रोल ना करें बल्कि जल्द अज जल्द पेशाब से फारिग हो जाएं। इन हदायात पर अमल करके और तासीर दवा खाना से इलाज करवा कर आप जल्द अज जल्द इस तकलीफ दा मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो देर ना करें बल्कि आज अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवा खाना तशरीफ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएँ। इसके मतलब मजीद मालूम और रहनमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवा खाना विज़िट करें। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।